प्रॉपर्टी वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी देख बहुत जुलाती टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेक लाइफ सिंपलर एंड ईजियर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपके बहुत काम आएगी अगर आप फर्स्ट टाइम कनाडा इमिग्रेट कर रहे हैं। कनाडा लैंडिंग के टाइम जो फर्स्ट टाइम हम पैकिंग कर रहे होते हैं उसमें कौन से वेसल्स लेके आने चाहिए जो इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ बहुत एक्सपेंसिव है, इजी टू कैरी भी है और यहाँ के यूजफुल भी रहे। तो आइए जल्दी से देखते हैं। तो स्टार्ट करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट प्रेशर कुकर से। ये प्रेस्टीज का पैक प्रेशर कुकर है और मैंने ये 5 लीटर्स वाला लिया है और ये आप कैसे देख सकते हैं इंडक्शन बेस वाला है तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। फिर प्रेस्टीज के 3 के सेट आते हैं, ये आप देख सकते हैं काफी पुराने हो गए, अब मैंने नए ले लिए 2 साल बाद। लेकिन ये एक पैन सा आता है, ये एक तवा सा आता है और ये एक है, ये 4 लोगों के खाने के लिए भी इनफ होता है। तो ये आपका बेसिक सब कुछ हैंडल कर लेगा ये 4। और इसके एडिशन में हमें चाहिए चाय का पतीला, तो ये PNB का है और ये भी स्टील का है और ये भी इंडक्शन पे बढ़िया चल जाता है। तो ये बात हो गई वेसल्स की, अब चलते हैं जो बाकी एक्स्ट्रा के तरफ। साथ ही साथ एक चॉपिंग बोर्ड, ये नॉनस्टिक के ये पिजन के है, एक ये वाला जो पीलर होता है ये पकड़ यहाँ बहुत मुश्किल से मिलता है, ये आप जरूर लाएं। छन्नी अगर आप चाहें तो, नहीं तो 1-2 डॉलर में मिल जाती है, लेकिन आते साथ चाय तो सबको चाहिए ही होती है। साथ में अदरक के लिए ग्रेटर कौन नहीं रखेगा। और ये बड़ी वाली छन्नी अगर आपको कुछ फ्रोजन आइटम के लिए यूज करना है, वॉश करना है, ये बहुत हैंडी रहता है। अगर हम कटलरी की बात करें तो थोड़े से प्लास्टिक की कटोरी, प्लास्टिक की प्लेट्स, स्पून, सर्विंग स्पून और चाकू भी बहुत हैंडी होता है। इन एडिशन टू दिस ये प्लास्टिक के ग्लासेस, ये कुछ सर्विंग बोल्स और ये कोलैंडर भी काफी यूजफुल होता है। बस खरीदते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि ये ऐसा सा या तो बेस हो या एक्सप्लिसिटली लिखा हो कि इंडक्शन कुकर के लिए, इंडक्शन टॉप, इंडक्शन मतलब ऐसे के लिए या इलेक्ट्रिक गैस के लिए ये कंपैटिबल है, तो आपका काम हो जाएगा। अगर हम मिक्सी, टोस्टर वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो वो ऑप्शन आपको यहाँ से लेना पड़ेगा क्योंकि यह वोल्टेज अलग होती है। लेकिन ये प्रीति एको ट्विन वाली आपको करीब 7,000 रुपीज के लिए इंडिया से ही मिल सकती है। स्टील के आइटम्स काफी भारी होते हैं लेकिन एक स्टील की कटोरी और ये पकड़ बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको लाना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट शस्त्र है, अगर आपको आते साथ मिक्सी जो $200 तक कॉस्ट करती है ये नहीं स्पेंड करना है तो ये पिजन का 200 रुपीज का अमेजोन में मिलता है इंडिया में। आप इसको बिल्कुल चॉप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया से छोटे छोटे हो जाते हैं। ये चीज़ आपको 200 रुपीज़ की मिलती है, यहाँ आपको $4.57 की पड़ती है। तो ये ब्लेंडर आपको डॉलरामा से भी मिल जाता है और आप देख सकते हैं $4 का पड़ा है, लेकिन ये आपको कभी कभार ही मिलता है, हमेशा नहीं मिलता है और जब भी ये स्टॉक में आता है फटाफट से ख़त्म हो जाता है। ये थोड़ा ज़्यादा स्टर्डी है मैं मानती हूँ, लेकिन मैं वो जो चॉपर है रिकमेंड करूंगी कि स्टार्टिंग के लिए आप ये 2 तो ले ही आए। एक टपरवेयर का भी आता है जो थोड़ा बिगर भी होता है और इसका भी बिगर साइज का आता है करीब 300-400 का, वो भी ऑप्शन ले सकते हैं। तो जैसे आपने देखा ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको इनिशियली स्टार्टअप करने के लिए हेल्प करेंगी। यहाँ ये चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, इसके बावजूद बहुत चीज़ें होती हैं जैसे मिक्सी, जैसे इडली स्टैंड वगैरह वगैरह जो आप ले सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आपके जो खान पीन में वो इम्पोर्टेंट है तो आप वो भी ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो। आपको और ऐसे कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर कोई और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊँ तो वो भी मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली अगर आपको यूज़फुल लगे हो। एंड टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज टेक साइनिंग ऑफ।